Assalamu alaikum viewers, welcome to my new CSS tutorial. In this tutorial we are going to design horizontal navigation bar and the lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt. तो सबसे आसान हल ये नहीं है कि यहीं पे हम एक हेडर टाइप या नेविगेशन बार बना दें जिसके लिंक्स दे दिए जाएं तो हम अपनी एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकें. और वैसे भी जो हमारी वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं. ठीक है, तो ये सारे वेब पेजेस ही है. विद सी एस एस यू कैन ट्रांसफॉर बोरिंग एचटीएमएल मेन्यू इनटू गुड लुकिंग नेविगेशन बार. ठीक है जी, आप सी एस एस की मदद से खूबसूरत अट्रैक्टिव नेविगेशन बार बना सकते हैं. जैसे इसने कुछ एग्जाम्पल ये वाली भी दी है, ये वाली भी दी है और ये वाली भी दी है. नेविगेशन बार का मतलब क्या है वो बता रहे हैं. नेविगेशन बार इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिंक्स. नेविगेशन बार किसको बोलते हैं? लिस्ट ऑफ लिंक्स. नेविगेशन बार नीड्स स्टैंडर्ड एचटीएमएल एज बेस. ठीक है जी, इन आवर एग्जांपल वी विल बिल्ड द नेविगेशन बार फ्रॉम अ स्टैंडर्ड एचटीएमएल लिस्ट. तो हम जो सी है किसकी मदद से बनाएंगे? लिस्ट की मदद से. जो हमारे पास स्टैंडर्ड टैग लिस्ट का टैग है ना, उसके मदद से हम नेविगेशन बार बनाएंगे. नेविगेशन बार इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ लिंक्स. सो यूजिंग द यू एल एंड एल आई एलिमेंट्स मेक्स परफेक्ट सेंस. ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नेविगेशन का मतलब है लिस्ट ऑफ लिंक्स. तो एक लिस्ट लगेगी और इस लिस्ट के अंदर लिंक्स होंगे. ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं. यू एल के टैग के अंदर लिस्ट लगाएं और लिस्ट के अंदर लिंक्स लगा दें. ठीक है, जैसे ये देखिए एक इसने बनाकर बताया आपको. ठीक हो गया. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं ना जस्ट इसको ये वाला ही कोड उठा रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले ये जो हमने पहले आज मॉर्निंग वाली थी इसको मैं कहीं पे सेव कर लेती, इधर ही कर देते हैं. ठीक है, इस टेस्ट की जगह मैं सिर्फ ये इतना उठा रहा हूँ. ठीक है, देखते हैं कि अभी नॉर्मल अगर हम कुछ भी नहीं करते और एच टी एम एल टैब का बटन प्रेस किया, स्ट्रक्चर बन गया नेविगेशन लिंक्स. ठीक है जी, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, अब ये देखिए ये थोड़ा कोड इंडेंट नहीं है. ये देखिए यू एल एक पेरेंट है, एल आई इसका चाइल्ड है. जैसे बॉडी एक पेरेंट है ना, तो बॉडी से आगे ही यू एल बनाया, मतलब उसके साथ ही स्टार्ट नहीं कर दिया. बट हमारे पास ये यू एल है, अब मैंने कॉपी पेस्टिंग की है तो एल आई उसके साथ नहीं, उसके साथ आ रहा है. ठीक है, तो हम इस एल आई को थोड़ा सा इंडेंट करने के लिए टैब का बटन प्रेस कर देंगे. अब हमें पता चल रहा है कि एल आई एक पेरेंट है. अभी जस्ट इतना काम करने से क्या हुआ है कि ओपन इन ब्राउज़र पर जाते हैं. ये देखिए जी, आपके पास एक बेसिक जो सी है ना लिस्ट तैयार होगी या जिसके अंदर लिंक्स लगे हुए. ठीक है, अब इसके अंदर आपने हैश टैग लगाए होंगे ना. ये देखिए, बल्कि इन्होंने तो अपने पेजेस के लगाए हुए हैं. ये इन पेजेस का, ये तो पेजेस हमारे पास नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम हैश लगा देते हैं कि हमारे पास कोई पेज ही नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, ये करने के बाद इसको मैं एक और काम करता हूँ. इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ और ये जो ब्राउज़र है मेरा इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, ताकि हम जो काम करेंगे वो साथ साथ हमें नज़र आता जाएगा. ठीक है, तो ये एक तरह का ना, ये जब हम वर्टिकल बनाएंगे ना लिस्ट ऑफ लिंक्स. ठीक है, जो हम वो बता रहे हैं नेविगेशन में आपके पास लिस्ट होती है और लिस्ट के अंदर आपने लिंक लगाने होते हैं. ठीक है, जब हम वर्टिकल डिज़ाइन करेंगे तो वर्टिकल में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे पास जो लिस्ट ऑफ लिंक्स है ना, ये ऑलरेडी ही वर्टिकल है. ठीक है, तो हमें हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए दो तरीके से हम इस लिस्ट को ना, ये देखिए ये जो लिस्ट है ना आपके पास, ये जो लिस्ट का टैग है ये ब्लॉक लेवल है. जैसे ही आपका एक कॉन्टेंट ख़त्म हुआ उसने उतनी स्पेस छोड़ दी है, उसके बाद न्यू लाइन पर ले गए हैं. ठीक है, पहला काम हमने क्या करना है कि इसके जो बुलेट्स हैं ना इसको ख़त्म करना है. इसके बुलेट्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टाइल का टैग लगा लेते हैं, यूएल का टैग, यूएल का. ठीक है, यूएल के अंदर सबसे पहले हम क्या देते हैं जी, इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है नन कर दिया. ठीक है, इसको हम रेंडर करेंगे. ये देखिए जी, वो जिनसे लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी क्या होती है, नन होगी. अब हमें तो चूंकि हेडर बनाना है और हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स है ना, मार्जिन पैडिंग जो भी है वो हम ज़ीरो कर देते हैं. ये देखिएगा, मार्जिन ज़ीरो पिक्सल. ठीक है, पहले हम ज़ीरो पिक्सल मार्जिन करके देखते हैं. ये देखिए मार्जिन टॉप और बॉटम पे था इसका, क्योंकि कोई भी जो लिस्ट ब्लॉक लेवल होता है टॉप और बॉटम में तो एटलीस्ट लाजमी लेता है. ठीक है, मार्जिन. अब हमें इसकी पैडिंग भी ख़त्म करनी है. ठीक है, लिस्ट जो सी होती है इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग होती है, हम इसकी पैडिंग भी ख़त्म कर देते हैं. ये देखिए इसकी पैडिंग भी ख़त्म हो गई.
अब इसको इन लाइन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका कार क्या है, अच्छा एक तरीका कार क्या है, हम इधर हम हमारी जो लिस्ट आइटम है ना, जो जिसके अंदर लिस्ट एंकर्स आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस लिस्ट को ना, ये भी ब्लॉक लेवल है, ठीक है। होम के बाद न्यू लाइन में आ गया, न्यू, उस पर एक नया कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट न्यू लाइन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक है डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। डिस्प्ले इन लाइन करने से क्या होगा, ये तो नाम से पता चल रहा है कि आपने जो ब्लॉक लेवल को इन लाइन बनाना, तो इन लाइन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो होती है फ्लोट लेफ्ट। बल्कि एक सेकेंड, अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो ब्लॉक लेवल में आ जाए, ठीक है। और फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क क्या है वो एक सेकेंड दोबारा मैं बताता हूँ। फ्लोट फ्लोट नहीं, ये वाली, ये देखिए जी, इसमें क्या होता है, आपके पास जो लिंक्स है ना, उनमें थोड़ी सी स्पेस आ रही है दरमियान में, देखिए यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, और यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड यहाँ पर आके फ्लोट, सॉरी फ्लोट फ्लोट लेफ्ट, ये किया तो ये देखिए स्पेस ख़त्म हो गई है, बिल्कुल साथ साथ जुड़ गया। तो अब इनकी स्पेस को, स्पेस लाने के लिए हमें थोड़ी बहुत पैडिंग चाहिए होगी, ठीक है। अभी ये बेसिक सा बन गया, ठीक है। अभी हमें जिनसे ना एंकर भी नहीं चाहिए, मतलब हमें जो ये अंडरलाइन आ रही ये नहीं चाहिए, तो हम इधर ना एक और करेंगे, हम कहेंगे कि जो जो पेरेंट है ना, एल आई पेरेंट है। एल आई किसका पेरेंट है, एल आई पेरेंट है एंकर का, ठीक है। एल आई एक पेरेंट है, स्पेस एंकर। अब ये डिसेंडेंट वो जिनसी थी ना हमारे पास, स्टाइलिंग की टाइप थी, क्लास थी, ये डिसेंडेंट वाली है, कि हम कह रहे हैं कि जो इसका पेरेंट है ना, एल आई का जो भी चाइल्ड जिसमें ए आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या कर दे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे, ठीक है जी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो ये देखिए जी अंडरलाइन उसकी ख़त्म हो गई, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम इधर आकर पैडिंग, ठीक है। अच्छा एक और काम करना है मैंने आपके सामने, कि अगर मैं इसका बॉर्डर वैसे लेता हूँ ना, अभी जस्ट देखने के लिए, बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड रेड, ये देखिए बॉर्डर, देखिए जब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया ना, तो ये जो कंटेंट है ना फ्लोट लेफ्ट से, वो बॉर्डर से बाहर आ जाता है। हमें तो इस बॉर्डर के अंदर ही सारा काम करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ओवरफ्लो की, और उसकी टाइप कर देंगे, वैल्यू रख देंगे हिडन, ये भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ओवरफ्लो से क्या होता है कि वो जो भी बॉर्डर, जो भी कंटेंट होता है वो उस बॉर्डर के अंदर ही फिक्स करता है, बॉर्डर से बाहर नहीं लेकर आता। ये देखिएगा, ये देखिए अब बॉर्डर के अंदर आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पैडिंग यूज़ करनी है, पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कर लेते हैं, टॉप पे हम कर लेते हैं 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट पे हम कर लेते हैं 16 पिक्सल। लेट्स सी, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, ये देख रहे हैं, ठीक है जी। अब हमें बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है, बैकग्राउंड कलर का हम ओवरऑल पहले दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर अभी हम जो सा है रेड दे देते हैं, ठीक है जी। ये रेड दे दिया, ये देखिए जी, ठीक है। अब जो कलर है वो हम क्या करते हैं, लिस्ट का दे देते हैं, या लिस्ट के अंदर एंकर का दे देते हैं, या हम इधर ही वैसे, इधर वैसे ही हम इधर ही करके देखते हैं, ये कलर कहाँ पे चेंज होगा, कलर वाइट, ठीक है, इधर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि कंटेनर है। इसको हम ख़त्म करते हैं, इधर लाकर हम कलर सही करते हैं, इधर भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये जिनसे हमारे पास लिस्ट आइटम भी एक कंटेनर बन चुका है, यूएल भी कंटेनर बन चुका है, और अगर मैं यहाँ पर कलर दूँ, अब तो चेंज होना चाहिए ना, ये देखिए, क्योंकि जो कंटेंट है उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं ना, कंटेनर का तो नहीं चेंज करना चाह रहे। तो कलर वाइट हमने दे दिया, वो एंकर में आ गया हमारे एक्सक्यूज मी पास, सर, जी जी बोले। सर ओवरफ्लो के बाद आपकी स्क्रीन हैंग हो गई थी, ज़रा दोबारा बता दें। ओवरफ्लो की समझ आ गई थी कि ओवरफ्लो क्यों लगाया हमने, यस सर वो आ गई थी। ओके। ये देखिए मैंने ये बताया था कि आपको कि ना हमने पहले एक बॉर्डर लगाया, बल्कि मैं दोबारा से इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद ये आ गया, अच्छा वाइट कलर लगाया हुआ ना, इस वजह से वो बैकग्राउंड में हमारा वाइट है, ठीक
ये देखिए जी, वापस से हम देखिए, जब हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं ना किसी भी कंटेनर को या लिस्ट को या किसी भी टैग सर को, आपकी स्क्रीन हैंग है सर। अभी भी हैंग है यार, मैं तो अलग ही शो हो रही है, सबको सबके लिए हैंग है, नेट ही चला गया। ठीक है, जो ये पैडिंग है हमारे पास, ये 12 पिक्सल हमने टॉप और बॉटम पे दे दिए हैं और 16 पिक्सल हमने लेफ्ट एंड राइट पे दे, जैसे ही हम ये देंगे पैडिंग, तो ये देखिए जी हमारे पास जो है ना टॉप और बॉटम पे और लेफ्ट और राइट पे आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रेंडर करेंगे, रेड हो गया। अब हमें ये बैक बॉर्डर इसलिए चाहिए था ताकि हमें पता चले कि ओवरफ्लो की क्या वर्किंग थी। ठीक है, अब हम बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया। अब इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर तो हमारे पास ये एंकर दिखा रहे हैं ना, एंकर का टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इधर एंकर के पास आएंगे, यहाँ पर आके इसका जो कलर है वो हम वाइट जो भी हमने देना है वो दे देंगे। तो ये देखिए बच्चों, एक बेसिक सा आपके पास बन चुका है कि जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड कलर लगा लिया है और अपने जो लिंक्स हैं, ये देखिए जी, अब ये होवर रह गया हमारे पास। ठीक है, इसको होवर करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंकर को होवर करना है ना आपने। ठीक है जी, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि एल आई के अंदर, ठीक है, जो ए है, ठीक है, और उसको ओवर करना है, ये ना कि सारे एंकर को ओवर करें। अब वो देखेगा जिसका पेरेंट एल आई है उसके अंदर जाएगा और उसमें देखेगा कि एंकर है जी, एंकर है, उसको ओवर कर देगा। ठीक है, उसको ओवर क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर, और हम येलो कर देते हैं। ठीक है, ये करेंगे हम, तो ये देखिए जी ओवर होना शुरू हो गया। ठीक है, बट मसला क्या आ रहा है कि सिर्फ वो उस स्पेसिफिक कंटेंट को करना है, हमें तो उसका बैकग्राउंड पूरा वो ओवर करवाना है ना। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको अगर हम एल आई, एक सेकेंड, अगर मैं इसको होवर करता हूँ ऐसे, तो अब क्या होगा, अभी भी ये हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि होवर हमें पूरा जो है सर ना एल ए कोर कराएं। किसको, एल आई को करवाते हैं। यस यू आर राइट, इसको करवा के देखते हैं। ये देखें एल ए पूरी कोर कराएं। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप, और इसका कलर जो उनसे है ब्लैक कर देते हैं ताकि ओवर में हमें सही नजर आए। लेकिन इसका कलर तो चेंज नहीं होगा भाई, इसका कलर के लिए क्या करेंगे हम, कलर के लिए सर आपको ए पे लगाना पड़ेगा ओवर। लेकिन एक चीज़ और है, इन्होंने क्या किया, अब हम इनके कोड में, बड़ा ये कोड समझ आ गई सबको, बेसिक कोड। हाँ जी बच्चों, इस कोड से आप लोग हॉरिजेंटल नेविगेशन बार बना लेंगे। ठीक यस सर क्लियर है। है, अब हम देखते हैं कि इनका कोड क्या है, वर्टिकल है और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में आते हैं, हॉरिजेंटल में हम ये वाला देख लेते हैं। एल आई के अंदर इसने एक और काम किया हुआ है, टेक्स्ट पैडिंग एल आई ए के अंदर किया हुआ है, एल आई ये इसमें भी इसने वही दिया हुआ है। ये देखिए बस एक ये काम किया हुआ, इसने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक करने से क्योंकि इसकी टॉप और जो बॉटम है ना वो हाइट आ जाएगी। ठीक है, हम भी ये करके देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे जो एल आई ए लगा रहा है ना, एक सेकेंड, एल आई ए के अंदर सारा काम कर रहा है ना। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर वाइट और पैडिंग शेडिंग, अच्छा वो सारी चीज़ें इधर दे रहा है और हमने उसको एल आई के अंदर दी हुई है। खैर हम इधर ही, चलो इसके अंदर ही टेक्स्ट लाइन वगैरह वो हमने दी हुई है, डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक किया उसने। ठीक है, अभी उसके बाद हमने, अब एल आई जो सा एज इट इज रहेगा, ए रैक करते अभी भी नहीं हुआ, अब इसके कोड को चलाते हैं। सर जो ऊपर ऊपर आपने एल ए को दिया ना पैडिंग, वो आप ए को दे देना पर। हाँ, जो ये पैडिंग हम दे रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, यस ये वाली पैडिंग,
यस, क्योंकि आप जो पैडिंग मिल गई है ना वो उसको एंकर को मिल गई है ना, LI के अंदर जो एंकर आ रहा है, पहले वो जो पैडिंग मिली थी उसको मिल रही थी, अब ठीक हो गया हमारे पास में, ये देख रहे हैं। अच्छा ये है जी, पर हाँ तो ये बेसिक सा हमारे पास हो गया है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक UL बनाया, UL के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दी, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ओवरफ्लो इसलिए किया ताकि वो जो फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो वो बॉर्डर के अंदर आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया। LI के अंदर जस्ट हमने फ्लोट लेफ्ट किए हैं, जितनी भी लिस्ट के अंदर जो कंटेंट आएगा वो अपने लेफ्ट की तरफ मूव कर जाए। फिर LI के अंदर जो एंकर है उसको हमने डिज़ाइन किया, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया है, उसका कलर वाइट कर दिया, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, उसके टॉप और बॉटम पर ना थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देगा। पैडिंग हमने उसको अपनी तरफ से दे दी है 12 और 16 पिक्सल, 12 हमने दे दी उसको टॉप और बॉटम पर, 16 पिक्सल हमने लेफ्ट एंड राइट पे। जब वो एंकर या LI के अंदर एंकर को होवर करेगा तो बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा और कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि जो पहला होम है ना इसको कोई और कलर मिल जाए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है जी। इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉरी स्टाइल बल्कि बैकग्राउंड कलर आपको किधर देना पड़ेगा, LI के अंदर देना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, ये देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसका जो सा है मतलब ग्रीन सिलेक्टेड है, लेकिन आप बाद में जिसको होवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अबाउट को आप चाहते हैं कि राइट पे हो, तो उसके लिए आप जस्ट LI के अंदर आकर जैसे आप अबाउट है ना फिर लास्ट स्टाइल, इसको करेंगे कि एंकर को करेंगे, एंकर को करेंगे मेरे ख्याल इसी को करेंगे, देखते हैं लेट्स सी। देख रहे हैं कि जो होता है ना कि लॉगिन और रजिस्टर का पेज इधर आ जाएगा और बाकी जो से ऐसे आ जाएंगे, ठीक है जी। ये क्लियर है, हाँ जी बच्चों, ठीक यस सर क्लियर है। है। अच्छा अब एक और चीज़ हम करना चाहते हैं, वो देखें इसके अभी भी टॉप पे और लेफ्ट पे और राइट पे ना मार्जिन है, ये मार्जिन बॉडी का है, बाय डिफॉल्ट जो बॉडी होता है ना अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं और इधर हेड के बाद बॉडी के अंदर आते हैं ना, जब बॉडी के अंदर तो ये बता रहा है कि ये डिस्प्ले ब्लॉक है इसका और 8 पिक्सल इसने मार्जिन लिया हुआ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, हम चाहते हैं ये बॉटम ये मार्जिन भी ख़त्म करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बॉडी पे आएंगे स्टाइल मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो हमारी जो हेडिंग है ना हेडर बिल्कुल कोई मार्जिन ना ले, ये देखिएगा ये देखिए बिल्कुल इधर आ गए 0 पिक्सल मार्जिन पे आ गए, ठीक है जी। ये हमें बनाना आ गया, अब हम कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है कि उसने अगर आप चाहते हैं ना कि इस तरह से लाइन आ जाए तो LI के अंदर उसने बताया हुआ कि बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड कर दो, ठीक है। इसको आप यहाँ से उठाएं, यहाँ LI जो आपका बना हुआ है इसके अंदर आके ये कर दो, इधर आ जाए इधर आ जाए, ये देखिए ये बॉर्डर आ गया, ठीक है जी। इसके अलावा आपने जो फिक्स्ड करनी है वो भी आप ये जस्ट फिक्स्ड रखेंगे, देखिए फिक्स से क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास है ना ये मूव नहीं करेगी, ये देखिए स्क्रॉलिंग हो रही है, ठीक है। और स्क्रॉलिंग आप दो तरह से करते हो, टॉप पे भी सर फिक्स कर सकते हो बॉटम पे भी। आपकी स्क्रीन बहुत हैंग हो रही है सर। जी सबके साथ ये इशू है, हाँ जी बच्चों स्क्रीन नहीं सर हैंग, ठीक है। फिर आवाज से तो आपके नेट का इश्यू होगा, वो ठीक तो है नहीं हो जी। रही। और ये देखिए ग्रे है, ग्रे के लिए जस्ट वो कलर चेंज हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। UL में एक बॉर्डर दे दिया है और ग्रे हो गया, ठीक है। स्टिकी में क्या हो रहा है कि कुछ देर के मतलब टॉप तक जिनसे है पहले नॉर्मल स्क्रॉल करेगा, लेकिन जब अपनी फर्स्ट पोजिशन पर पहुँच जाएगा उसके बाद ये स्क्रॉल नहीं करना, ठीक है जी। उसका जो कोड है वो टॉप पे 0 स्टार्ट किया और वो समथिंग इस तरह से। खैर उसके बाद हम आते हैं वर्टिकल की तरफ आते हैं, ठीक है। वर्टिकल इसका बहुत ही इजी वर्जन है, अगर कहते हो तो ये कोड आप लोगों को शेयर कर दूं, हाँ जी। बल्कि ये कोड तो वैसे हॉरिजेंटल का वाला भी हमारे पास पड़ा हुआ है, राधे सर ठीक है। ये कोड भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ,
ताकि फिर हम वर्टिकल वाला देखें।